छत्तीसगढ़ में पहली बार किसी निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में कैंपस ड्राइव चलाया गया। इसमें 3 मल्टीनेशनल कंपनियां शामिल हुई और इस ड्राइव में अपना भाग्य आजमाने वाले 1100 युवाओं का साक्षात्कार लिया। कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज ने इस कैंपस ड्राइव में शामिल होने वाले युवाओं से किसी भी प्रकार का पंजीयन शुल्क नहीं लिया। छत्तीसगढ़ प्रदेश में भिलाई खमरिया में स्थित कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज में, जो कि एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज है, यहां पहली बार कैंपस ड्राइव चलाया गया। इस कैंपस ड्राइव में जहां एक ओर 3 मल्टीनेशनल कंपनियां जेनपैक्ट, नेस्टडम और एक्सेंचर अपनी कंपनियों के लिए काबिल एम्प्लॉय तलाश कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर इस ड्राइव में लगभग 1100 अभ्यर्थियों ने अपने उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए अपना भाग्य आजमाया। सभी अभ्यर्थी बारी बारी से तीनों ही कंपनियों में अपना अपना साक्षात्कार देते नजर आए। तीनों कंपनियों ने हर अभ्यर्थियों को बहुत ही बारीकी से परखा और हर मापदंडों पर चुनौतीपूर्ण सवाल करते हुए अभ्यर्थियों के टैलेंट को परखा। ये कैंपस ड्राइव और पहले होने की सूचना कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज द्वारा दे दी गई थी, परंतु गूगल कंपनी में आई कुछ तकनीकी विसंगति की वजह से इस कैंपस ड्राइव की तारीख आगे बढ़ा दी गई थी, जो अब जाकर संपन्न हुई। ये कैंपस ड्राइव शनिवार और रविवार 2 दिनों के लिए रहा। कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज में आयोजित इस कैंपस ड्राइव की पूर्ण जानकारी कॉलेज के प्रबंधक आनंद त्रिपाठी ने न्यूज टीम को दी। चल रहा है, ये कैंपस ड्राइव चल रहा है और ये कैंपस ड्राइव कुछ दिन पहले चलने वाला था, लेकिन ऑलरेडी इंटरनेशनल, आपने सुना होगा, गूगल में प्रॉब्लम आ गया था, इसलिए उस समय ना हो करके अभी चल रहा है। और इसमें 3 कंपनी, एक जिसके मिस्टर हर्षित मिश्रा, नेक्सीडेम, मोहम्मद तौफिक एक्सेंचर और अंकुर पाठक जेमपैक, ये तीनों मल्टी इंटेशनल कंपनी है जिसमें पहली बार किसी कॉलेज ने अपने हिस्ट्री में, छत्तीसगढ़ के हिस्ट्री में ले आया है। और मैं इतना समझता हूँ कि ये लोगों ने मेरे प्यार में आकर के, आपको बता दूँ, और कोई मेरा उन लोगों से रिश्ता नहीं है, प्यार में आकर के और ये बोला है कि कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज को गोद ले लिया है। और हर साल आज इस बार बोलते हैं कि हम 3-4, अगले इस बार 10-12 कंपनियां लगातार आती रहेंगी। और इसमें मैंने सोचा कि अगर सिर्फ मैं अपना भला चाहूँगा तो उचित नहीं है, इसलिए पूरे छत्तीसगढ़ को मैंने उसमें चांस दिया है। और अगर छत्तीसगढ़ के बच्चे बढ़ेंगे तो प्रदेश बढ़ेगा, और प्रदेश बढ़ेगा तो कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज तो आराम से, इत्मीनान से बढ़ी जाएगा, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। कहाँ कहाँ के बच्चे इसमें भाग लिए हैं, कितने बच्चे? यहाँ छत्तीसगढ़ के पूरे, मैं आपसे बता दूँ, हर डिस्ट्रिक्ट से बच्चे आए हैं, चाहे जगदलपुर हो, रायगढ़ हो, सरगुजा हो, और हर जगह से जहाँ से भी बच्चे आए हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, नॉट ओनली फ्रॉम दिस स्टेट, ये आए हैं MP से, तमाम सारे लोग आए हैं, और उसके बाद यहाँ तक कि पूना से भी बच्चे यहाँ इंटरव्यू देने हुए आए हुए हैं। और ये 2 दिन का कैंपस ड्राइव है, आज और कल। कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज खमरिया भिलाई में हुए इस कैंपस ड्राइव के लिए कॉलेज प्रबंधन ने किसी भी प्रकार का पंजीयन शुल्क युवाओं से नहीं लिया है। यही कारण है कि इस कैंपस ड्राइव में संपूर्ण छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य राज्यों से भी युवाओं ने उत्सुकता पूर्वक भाग लिया और चाहते हैं कि इस कैंपस ड्राइव के जरिए उन्हें भी मल्टीनेशनल कंपनी में अपनी सेवाएं देने का मौका मिले। प्रबंधन ने आगे भी इस तरह के कैंपस ड्राइव चलते रहने की बातें कही है। ACN न्यूज के लिए संतोष शर्मा के साथ शाहिन खान की रिपोर्ट।